अगर फारिग नहीं कर ते कहन दे इन्होंने ठीक नहीं गए ते मियां जब खसम दा कोस है साडा तोड़ तालुक कोई नहीं साडा तालुक है सरकार दी गुलामी ना जेड़ा सरकार दा गुलाम है साडा इमाम है जेड़ा सरकार दा कुछ नहीं लगदा ओ साडा भी कुछ नहीं लगदा इन्हां दे बड़े बड़े जने सरकार दी कितने गुस्सा अच्छा हुण दसो मैं तोड़े कोल भाई अंदर खड़े हो थोड़ा नाम की गुलजार अहमद भाई गुलजार अहमद भाई मैं थोड़ा जो अलल ऐलान कह कि तुसी काफिर दे पुत्र हो तुसी मेरे ना दुआ सलाम रखो है नहीं रखो चलो मेरे पीछे नमाज पढ़ दो दुआ सलाम तो नहीं चलो कभी नमाज भी पढ़ती है ना नमाज से अल्लाह पढ़ दो मेरे पीछे बड़ी गल अच्छा मैं थोड़े अब्बा जी की गुस्ताखी करा तुसी मेरे नाल ताल्लुक नहीं रखते सलाम दुआ नहीं रखते थोड़े अब्बा जी की अजमत ज्यादा है सरकार की अजमत ज्यादा है एक अब्बा एक साइड दे कायनात दे सारे अब्बे सरकार की ज्योति ना लगी धूल कोई ना उतरिया ने सरकार दे वाले दैन नु काफी रखे जिल्द तीसरी सफा नंबर 163 और 164 इन्होंने साफ लिखा है नबी करीम अलैहि सलाम के वालिदैन मुसलमान नहीं सन काफिर सन दुनिया के हुण दस्सो सरकार नाल प्यार कर रहे हैं या सरकार की गुस्ताखी कर रहे हैं ते की ख्याल है कितना का सवाब मिलेगा इन्हें पीछे नमाज पढ़ो दसो सवाब नहीं मिलेगा उल्टी लान तक पैर जूते हो जाएंगे जो सरकार के गुस्ताख को सीने नाल लाया गया उसके पीछे नमाज पढ़ेगा सरकार ने मदीना शरीफ के अंदर एक इमाम खड़ा किया फरमाया मेरे साहबा ने पीछे नमाज पढ़ा करो साहबा ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी सरकार कुछ दिन तक तशरीफ लै गया फरमाया मेरे साहबा हूँ नमाज नहीं पढ़ नहीं पढ़नी इन्हें पीछे नमाज नमाज पर चढ़न लगे बंदा साबन रोले पीछे जा तू नहीं माम छड़ना कि क्यों सरकार मना कर रही है क्यों सरकार तो पहुंचा आ गया सरकार की बारी आका मेरे तो की गलती सरकार ने फरमाया तू ना काबे वाल मुंह करके थूकया सी ते काबे वाल मुंह करके थूक के ना तू रब दी ते रब दे रसूल दी यानी कि रब दे रसूल रब नु ते रब दे रसूल नु तकलीफ पहुंचाई ते जेड़ा रब ते रब दे रसूल नु तकलीफ पहुंचाए काबे वाल थुक सट के ओ इमाम नहीं बन सकदा ते जेड़ा मुस्तफा दे वाले नाल नु काफिर कह के पक पक करे करे सरकार दे ते तकलीफ पहुंचाए ओदे पीछे कोई नमाज साडा इना नाल झगड़ा है इना सरकार दे वाले दा जे गुस्सा नहीं कीता फतावा रशीदिया पे होना मेरे ख्याल अंदर पे उस दिन भी उन्होंने लिखा कि सरकार के वालिदैन मुसलमान नहीं सन नाउज़ बिल्लाह काफिर सन तो दूसरा आयना की किताब सिरात मुस्तकीम इस अंदर साफ भी ना लिखा सरकार का ख्याल नमाज के अंदर जिन्हिया रकावतों के अंदर ख्याल आएगा उन्निया रकावत आलूदा हो जाएगी एक रकात चार रकात पढ़ लो एक दिन ख्याल आया तो एक रकात आलूदा होगी दो दिन सरकार का ख्याल है तो दो रकात आलूदा हो गई तीन दिन ख्याल है तो तीन रकात आलूदा हो गई अच्छा आलूदगी कि पाकी या नापाकी बोलो बे पलीत का बच्चा की कह रहा सरकार का ख्याल आए तो नमाज की होगी नापाक होगी मैं कहना उल्लू दे पठे आ तू पलीत मुस्तफा भी पाक मुस्तफा का जिक्र तो जो है एक गल दूसरी गल इन्हें गुस्ताखी मारी बक बक मारी कहिंदा है नमाज पढ़ जाओ एक रकात दे अंदर ख्याल आया ओदे बदले च ओदे कफारे च चार रकातां पढ़ो इन्हीं पढ़ो अगर चार रकातां पढ़ रहे सो दो रकातां दे अंदर नबी पाक दा ख्याल आया दो रकातां बगैर ख्याल तो पढ़िया दो दे अंदर ख्याल आया दो बगैर ख्याल तो पढ़िया ख्याल दो दे अंदर आया एक रकात दी जगह ते चार पढ़ लिया हुण क्योंकि दो रकातां अंदर ख्याल आया दो दी जगह ते अठ रकातां पढ़ो कफारा अगर तीन रकात सरकार का ख्याल आता रहा तो हूँ बारह रकात पढ़ो इन जगह
अगर चार रकातां दे अंदर ख्याल आ गया सरकार दा ख्याल, सरकार दे बगैर नमाज नहीं पढ़ सके तुसी। कहंदे हुण कमरे जाके बैठ जाओ, अपने ज़हन नूं पाक करो, साफ करो, जिले सरकार दा ख्याल निकल जाएगा। उस वेले चार रकातां अंदर क्योंकि ख्याल है, चार दे बजे 16 रकातां पढ़ो, फिर अल्लाह तुहाडी नमाज कबूल फरमाएगा। और जिन्हां नूं सरकार दे ख्याल और जिक्र नाल इन्नी नफरत होवे, साढ़े कुछ लगदे बोलो जी, साढ़े कुछ लगदे नहीं लगदे, साढ़ा इन्हां नाल कोई ताल्लुक नहीं। दो बकवास हो गई। तीसरी बकवास ही नहीं इस किताब के अंदर ये मारी, नमाज के अंदर नबी पाक का ख्याल आ गया, उधर खोते का ख्याल आ गया, सरकार का ख्याल आएगा नमाज के अंदर शिरक पैदा हो जाएगा, नमाज टूट जाएगी, खोते का ख्याल आएगा, बंदा खोता बन के खड़ा रहे, खोते का ख्याल करके रखे, नमाज के अंदर कोई अर्ज नहीं होगी, नमाज हो जाएगी। हम देखो जी, सरकार तो बद के जिन्होंने खोतिया नाल प्यार हो, खोते का ख्याल है तो नमाज हो जाए, सरकार का ख्याल है तो नमाज टूट जाए, जी खोतिया नाल साडा कोई ताल्लुक बोलो से, इन्हां नाल कोई साडा ताल्लुक नहीं। आओ साडे बुजुर्गों को, उलमा को पुछो कि नमाज के बारे थोड़ा की ख्याल है, ख्याल आवे या ना आवे, साडे उलमा जवाब देणगे, ओ कमरा ना बन लोटियां दे आखे ना लगे, खुदा की कसम नमाज है ही, ओ जिहदे च मुस्तफा का अदब भी होवे, ख्याल भी। तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसी को कहते हैं, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसी को कहते हैं, इबादत नाम है तेरी गली हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी उच्चे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी उच्चे,
मस्जिद में आया, आपका बयान सुनने के हमें बस बैठना बैठना ना करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, हम किसी के खिलाफ नहीं जाते, कुछ नहीं करेंगे, तो अपना बस नमाज पढ़ेंगे अल्लाह ना करेंगे, नमाज की दावत देते हैं और कुछ नहीं। नमाज की दावत है कि बंदे लगे सुनने, तो बंदा खत्म ही पढ़ दे, दुरूद भी पढ़ दे, जुमे बाद सरकार की दावत सलाम भी पढ़ दे, मेराज भी मना दे, सब कुछ। बंदा गया 40 दिन ला के आया, आके कहता है ये झंडे कहाँ से आ रहे, ये मिलाद कहाँ से आ गया, ये जुलूस कहाँ से आ गया, सरकार के नाम का अदब कहाँ से आ गया, उन दसो इन्हें नमाज सिखाई या कुछ और सिखाया। बोलो असल विच नमाज के रूप के अंदर ये सरकार दी गुस्ताखी सिखा, सरकार की बारगाह का बेअदब है। मेरे को आए सन पचवी मस्जिद, कहने लगे जी हमें इजाजत दी, हम तबलीग के लिए आए हैं। मैंने कहा जी नहीं इजाजत, यह दो चार तोड़ियाँ मैं किताबा नहीं पढ़े मोरिया कितनी बकवास, या तो कह दो लिखने वाले काफर ने सरकार की गुस्ताख ने, तुम इन्होंने बरा का इजहार कर दो, मैं थोड़े ना चलना। आप कहने लगे नहीं ये तो ठीक लिखा है, बड़ा बड़ा चल चकरा मार दे रहे जो मारने से। जब जाने लगे ना तो मुझे कहने लगे आप कहते हो सरकार के पास गया था इलम, वो एक दफ़ा किसी ने रसूलुल्लाह से पूछा हमें बताओ कि घोड़ा होता है इसके टांगे कितनी, रसूल घोड़े पर था उस वक्त, उनको पता नहीं था टांगे कितनी, नीचे उतरा, नीचे उतर कर गिना 1 2 3 4, जब गिना तो फिर बताया वो इसकी टांगे तो 4। मैं कसम है परवरदिगार दी रब दे घर च बैठा, झूठ बोलना खुदा मैं इतने कर के उन्होंने यह लफ्ज कहा कि रसूल नु तो यह भी नहीं पता कि घोड़े की लत्त कि हम दसो भाई तुम सारे पता है कि नहीं लत्त कि हैं कुत्ते दी कि नहीं हैं दो लत्त का भी अंदर क्या रखे जरा कवे ना सरकार नु नहीं पता टंगा कि ने वो समझो दो टंगा वाला बस अगे मैं नहीं कहना समझ दो टंगा ठीक है ना। इस वास्ते इस टोले तो बचो, मुसलमान की सब तो कीमती चीज उसका ईमान है। अगर इन्हों के आखे ला के इन्हों की गल्ला चाह के अज अपना ईमान जाया कर लिया तो क्यामत सिवाय पछताण तो कुछ हथ नहीं आएगा ठीक है ना। इस वास्ते अपने ईमान की हिफाजत करो, कदे भी इन्हों की मिठी सोहनी प्यारी प्यारी गुफ्तगू सुन के फिदा होकर इन्हों के नाल ना चले जाओ। अज तुम आशिक हो अगर चले गए तो कल गुस्ताख बन के आओगे, तो अल्लाह सोने के अगे दुआ करे करो या अल्लाह सानू गुस्ताख ना बनाई, हमेशा सोने का गुलाम ही रखी। अल्लाह तारा मेरी तोड़ी हाजरी कबूल फरमाए। हूँ तोड़े सामने मैं माजरत भी चाहना, काफ़ी टाइम मैं ले लिया, हजरत अल्लामा मौलाना मुनादर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद इशफाक मेहरवी गोलड़वी, आप ईमान अफरोज बातिन सोच बयान फरमान गए, आपकी जलवा करी तो पहले तरह मुहब्बत उच्ची आवाज का नारा ला के आपका इस्तकबाल करो, नारे तकबीर नारे सरो सामा मदद
ਕਿਬਲਾ ਦੀ ਮਦਦੇ ਕਾਬਾ ਇਮਾ ਮਦਦੇ ਜ਼ਹੇ ਸੀਮਾ ਏ ਨੂਰਾਨੀ ਜ਼ਹੇ ਫਰਖੰਦ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਅਲੀ ਸੀਰਤ ਹਸਨ ਸਾਨੀ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਜੀਲਾਨੀ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਹੈ ਹੁਬੇ ਨਬੀ ਹੁਬੇ ਨਬੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਲਾਹਮੋ ਕਲਾਹਮੀ ਜਿਸਮ ਕ ਜਿਸਮੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਬੈਨ ਪਿਆ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੁਸਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਮਾਨ ਨਕਸ਼ੇ ਜਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਹੀ ਧੂਲ ਖਾਰ ਸੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਯਹੀ ਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਆਗੇ ਯੂੰ ਹੈ ਦਬੇ ਲਚੇ ਫੁਸਹਾ ਅਰਬ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਮੂੰਹ ਮੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕੇ ਜਿਸਮ ਮੇਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪੇ ਜਾ ਫਿਦਾ ਨਾ ਬਸ ਏਕ ਜਾ ਦੋ ਜਹਾਂ ਫਿਦਾ ਦੋ ਜਹਾਂ ਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਰਾ ਕਰੋ ਕਿਆ ਕਰੋੜੋ ਜਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮਦਹ ਅਹਲ ਦੁਆ ਰਜ਼ਾ ਪੜੇ ਇਸ ਬਲਾ ਮੇਂ ਮੇਰੀ